नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर। आज मैं आपको एक बच्चे का हड्डी जो टूटा हुआ था और बहुत ही कॉमन टूटा हुआ है, केहनी में का हड्डी टूटा हुआ है। बाबू दिखाइए दोनों हाथ ऐसे सीधा करके, हाँ दोनों दिखाइए, दोनों सीधा करिए, वो भी करिए, दूसरा हाथ भी करिए। यस हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों हाथ को, हाँ इसको भी ऐसा रखिए, हाँ यस ठीक, बहुत अच्छा। कैसा ये टूट गया है, ये अगर आप देखेंगे तो इस हाथ में का हड्डी टूटा है केहनी में और टूट के ये थोड़ा सा जुड़ गया है। यहाँ पे जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन होता है क्या है कि जब टूटता है ना तो ऐसा अच्छे से अगर थोड़ा सा भी केहनी में अगर इधर उधर टूटे जुड़े तो इससे दिक्कत क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, देखने में ही टेढ़ा लगता है। और इसको बोलते हैं गनसूट, जैसे बंदूक का रहता ना, बंदूक ऐसा ही रहता है, वैसे बंदूक के जैसा ही हाथ हो जाता है इस तरह से। तो ये बहुत ही कॉमन है, और लेकिन ये ठीक भी हो जाता है, और बहुत ही कॉमन है। हर गांव में आप देखेंगे 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनका हाथ ऐसा ही टूट गया है। और ये ऑपरेशन करके हम लोग सीधा भी, ऐसा नहीं है कि इसको करने के लिए जवान होगा बच्चा तब करेंगे, क्योंकि जवान हो जाता है तो हड्डी, तो जवान आदमी का हड्डी जुड़ने में दिक्कत होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फिर से उसको फ्रैक्चर करके तोड़ के, ऑपरेशन में तोड़ के और उसको सीधा करके और उसमें तार डाल देते हैं, और अच्छा भी हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारा लोगों को आप देखेंगे। इससे बाद में दिक्कत क्या होता है कि अगर आर्मी उर्मी में आपको ये करना है तो दिक्कत होता है, अगर सीधा रहेगा तो अच्छा है। ऐसे फंक्शनली इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, मुड़ता है हाथ, हाथ मोड़ दो बाबू, हाँ देखिए सीधा करो, सीधा करो, लेकिन मुड़ता है, लेकिन यही है दिक्कत, उंगली चलाओ, लेकिन दिक्कत यही हो गया है कि हाथ टेढ़ा हो गया, वो देखने में ख़राब लगता है। तो इसको ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ऑपरेशन करके इधर साइड से थोड़ा सा हड्डी का टुकड़ा निकाल के और ये सीधा करके सीधा कर देते हैं। तो यही ऑपरेशन करते हैं और ये ठीक हो जाने वाला चीज़ है। बहुत लोग को हम लोग जैसे ही आता है मरीज़ हमारे यहाँ क्लिनिक में, हम बोलते हैं कि इसको ऑपरेशन कराइए, तो बच्चा, अरे बच्चा का तो हड्डी जुड़ा, हड्डी जुड़ने का कोई दिक्कत नहीं, हड्डी तो जुड़ जाएगा, लेकिन वही थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो हड्डी टेढ़ा होता है, जो बाद में दिक्कत होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग के यहाँ भी इस तरह का कोई बच्चा है जिसका हाथ टेढ़ा है, तो उसको जवान होने तक का इंतज़ार नहीं करिए। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसको वो हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर को, जो हड्डी का डॉक्टर है उसके पास ले आइए, दिखाइए। और सबसे बड़ा चीज़ कि टूटा ना तो कितना बार मरीज के लोग बोलते हैं कि नहीं सर बच्चा है जुड़ जाएगा, अरे जुड़ने का दिक्कत नहीं है, लेकिन यही टेढ़ा हो जाता ना तो उस वक्त दिक्कत होता। हम लोग शुरू में ही फर्स्ट डे आया रहता ना मरीज, उसी दिन ऑपरेट करने के लिए बताते, और बहुत छोटा ऑपरेशन होता है, छोटा ऑपरेशन, ऑपरेशन तो हर चीज़ छोटा नहीं होता, लेकिन मेन कि उसमें चीरा फाड़ी नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर मशीन की मदद से बैठा के तार डाल देते। अभी ऑपरेशन करेंगे कंप्यूटर से नहीं पॉसिबल है, उसमें चीरा मारना पड़ता, तो अगर ये फर्स्ट डे ऑपरेशन करते तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता, लेकिन अभी भी ये अच्छा हो जाता है, तो इस बात को समझना है। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।